तो खैर ये नहीं आती, लेकिन कभी भी आप ये मत देखा करो कि ये पेपर में आएगी या नहीं आएगी, तो ही हमने इसको सोल्व करना है। नंबरों के लिए कभी भी मत पढ़ो बेटा। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि नंबरों के लिए नहीं पढ़ना है, मार्क्स के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ना है, मैथ में अपने आप इंटेलिजेंट हो जाओगे आप। क्योंकि मोस्टली खासकर प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हों, बच्चों के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है, बस पेपर में तो आनी नहीं है, करना क्या है इसका। लेकिन खुदा न खास्ता यही क्वेश्चन अगर आपका कल को गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पेपर दे रहे हो और वहाँ पर इसमें से क्वेश्चन आ गया, तो आप कोसोगे फिर उस टीचर को, इब्रानी कौन पागल पढ़ाया करता, हमने कुछ नहीं सिखाया उसने। आप तो बेटा कच्ची पौध हो अभी, आपको जो है दिशा निर्देश देना वो हमारा काम है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड बेंच ठीक बैठ जाए भाई, ठीक बैठिए। देखो ए बी सी इज ए ट्रेंगल, हालांकि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ये लिख भी रखा है नीचे, दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है कि परीक्षा की दृष्टि से ये है, पर्सनावली एग्जाम में नहीं आएगी। लेकिन देखिए सीखने को क्या क्या मिलेगा इसमें से, कि ए बी सी इज ए ट्रेंगल, लोकेट ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रेंगल ए बी सी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, कि ट्रेंगल ए बी सी के सभी वर्टिसेस से क्या हो, समान दूरी के ऊपर हो, ऐसा हमने पॉइंट लोकेट करना है। एक और बात बता दूं, जितने भी क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तीन चार ही क्वेश्चन है इसमें, और कोई प्रूफ वगैरह नहीं करना, सारा का सारा प्रैक्टिकली वर्क है। क्या करो, एक कोई भी ट्रेंगल ले लो भाई, ये मैंने एक ट्रेंगल ले ली, ठीक है, ये हमने एक ट्रेंगल ले ली जिसका नाम हम दे देते हैं क्या है, ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी हमने क्या कर लिया, एक ट्रेंगल ले ली, नाम है इसका ए बी सी, ठीक है। उसने कहा कि इसके इंटीरियर में, इसके अभ्यंतर में एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि पॉइंट ए से, पॉइंट बी से और पॉइंट सी से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो, यानी कि समदूरस्थ हो, समान दूरी के ऊपर हो। तो उसके लिए आपने करना क्या होगा, जितनी भी आपको साइड दिखाई दे रही है ना, उन सभी साइड का आप आधा कर दें, उन सभी साइड का क्या कर दो, आधा कर दो, अपने आप जो है वो इक्वल दूरी पे दिखाई दे जाएगा। और आधा करना कोई बड़ा काम नहीं होता, पता है ना सभी को आधा कैसे करते हैं। मान लिया कोई भी लाइन सेगमेंट है तो उसका आधा कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो और क्या करो, दोनों तरफ से आपने क्या करनी है, सर्कुलर आर्क लगा देनी है। जैसे मान लिया मैं बी सी का आधा करता हूँ, तो बी सी लगभग आधे से ज़्यादा ही होगी ना प्रकार, इतनी भी ज़्यादा ना खोलें कि इसको यहाँ खोल लें, फिर जो आर्क है वो बहुत लंबी लगेगी। आधे से थोड़ी सी ज़्यादा खोल लिया करो, बस नाम मात्र सी ज़्यादा खोल लिया, और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा आपने प्रकार खोली और एक क्या कर दी भाई, आर्क लगा दी, लगाइए और डोटीडी इस बात का भी ध्यान रहे, ठीक है। हालांकि जो ये प्रकार है ना मेरे पास, ये ज्योमेट्री है चौक वाले बोर्ड की, ठीक है, ये बट वो कर लिया मार्कर इसमें फिट, और यहाँ पर ये रुकता भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने अपना काम चलाना है, और मैथ वाले टीचर ऐसे जुगाड़ करते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद सी के ऊपर हमने प्रकार रखी और फिर यहाँ पर हमने आर्क लगा दी, तो कर दिया इसका आधा, बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पुरानी है भाई, जब स्टार्टिंग में मैं टीचिंग लाइन में आया, जब मैंने ये बनवाया था कभी टाइम में, आज के दिन तो इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बनाते भी नहीं ऐसी चीज़ें। तो देखो ध्यान दो, इसका हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, और हाफ करने के बाद क्या हुआ, फिर ये हो गया हमारा हाफ, थोड़ा सा ही साइड ले लेते हैं, यही हो गया ना, बोलो ठीक है। तो ये हमने किसका हाफ कर दिया, बी सी का हाफ कर दिया। उसके बाद अब जो हम हाफ करेंगे वो किसका करेंगे, ऐसे ही ए सी का, तो ए सी में भी आप आधे से ज़्यादा प्रकार खोलो, आधे से ज़्यादा आपने प्रकार खोल ली, और पहले हमने पॉइंट सी के ऊपर रख दी, तो सी से एक सर्कुलर आर्क लगा लोगे ना, लेकिन लगानी कैसी है, डॉटेड, डार्क मत लगाना बस। उसके बाद इसको आप ए पे रखो, ए पे आपने रखा और एक ई आर्क लगा दी हमने, ठीक है, लेकिन कैसी, डॉटेड, क्लियर। अब क्या करोगे आप, जहां पर ये एक दूसरे को आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके बीच से क्या करते हैं, एक लाइन पास कर देते हैं, वो लाइन सेगमेंट का क्या होता है, हाफ होता है। ऐसे ही किया होगा 8th क्लास में भी,
ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, थोड़ा सा नीचे हो गया लेकिन आप एग्जैक्ट कर लेना, बोर्ड पे थोड़ा मार्कर फिसल रहा है भाई इसके कारण। उसके बाद क्या करोगे आप, जो एसी है एसी का हाफ करो, एबी का, सॉरी एबी का हाफ। तो एबी का हाफ करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर आर्क लगा दें, लगा दी ठीक है। और फिर हमने क्या किया, कहाँ से थी भैया, यही थी ना, ठीक है चल जाएगा काम, चल जाएगा। उसके बाद इसका भी आपने हाफ किया जिसका नाम था हमारा ए बी, ठीक है। एक बात बताइए, जहां पर भी ये तीनों की तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हो ना एक दूसरे पॉइंट को, ठीक है ना, तीनों की तीनों लाइनें क्या करेंगी, एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि ये जो हाफ मैंने किया ना ऊपर वाला, ये थोड़ा सा इससे नीचे बीच में से आएगा। तो ये पॉइंट हमें मिल गया जहां पर तीनों की तीनों लाइनें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है। इसको हमने कह दिया पॉइंट ओ, ठीक है। तो जो पॉइंट हमारे पास ओ है ना, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट, इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, ये इक्विडिस्टेंट है कहां से, फ्रॉम, फ्रॉम वर्टिसेस, वर्टिसेस ए कॉमा बी एंड सी। बोलो, अगर आप इसकी ए से दूरी देखोगे, अगर आप इसकी सी से दूरी देखोगे और अगर आप इसकी ए से दूरी देखोगे तो आपको सेम मिलेगी, कर लोगे तो ये काम करना, बोलो इसमें क्या दिक्कत है। बट एक चीज का आपने ध्यान रखना है, किस चीज का आपने ध्यान रखना है, कि ये जो लाइन डॉटेड वगैरह बताइए सारी की सारी डॉटेड हो। हाँ बोलो, हाँ हाँ, क्या होता है, हाँ एक ही पॉइंट पे आके मिलती है, उसका प्रूफ पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों होता है। हाँ ठीक, मतलब आप इक्विलेटरल देखो हो, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, बैठ जाइए, अच्छा क्वेश्चन किया खैर आपने। यहां पर उसने ये नहीं कह रखा कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर एनी ट्रायंगल हो तो, अब ये तो थोड़ा इक्विलेटरल टाइप की दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी ट्रायंगल हो तब भी है, कुछ इस तरीके की ट्रायंगल हो जो कि क्या है कि आइसोसेल्स है लगभग, तो इसमें भी हम इसी थ्योरी पे काम करते हैं, ठीक है ना, जिसको शायद कौन सेंटर बोलते तो हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस सेंटर को नाम तो बोलते हैं क्या है, बाकी मैं बाद में बता दूंगा आपको, नाम होता है इसका, जैसे सेंटर है ना उसको कौन सेंटर बोलते हैं या पता नहीं, जैसे एक तो सर्कल का सेंटर होता है, ऐसे इसी तरीके से हम ट्रायंगल का सेंटर इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम ध्यान नहीं है फिलहाल, इसको सेंटर ऑफ ट्रायंगल आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ कौन सी आर्क, ये वाली, ना ना यही तो दिखाना है करके आपने, इनको इरेज क्यों करोगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या आपको समझ में आया इस टॉपिक से, इससे सिर्फ आपने इतना निष्कर्ष निकाला है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है चाहे वो किसी भी टाइप की है, अगर मान लिया उसके सेंटर को हमने ढूंढना है, सेंटर को कहूँ सॉरी, उसके हमने वर्टिसेस से सेम दूरी दिखानी है उस पॉइंट की, तो उसके लिए बस क्या करना होगा, साइड का आधा करना होगा, ये बात आपने इस चीज़ को याद रखना है, कर लोगे। अब अगला देखो इसी में, कैसा डस्टर है भाई ये, पता नहीं तो इसमें इंक जो है पिछले साल की, इसलिए ये जो प्रकार में इंक थी ना, प्रकार वाले मार्कर में, ये पिछले साल का यूं रखा है, क्योंकि एक ही टॉपिक आता है ज्योमेट्री का आपका, बस उसी में ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो हो सकता है ठीक है ना, कि दरी दरी गाड़ी ज़्यादा हो गई हो जा करें ना। अगला देखिए, इसने कहा इन अ ट्रेंगल लोकेट ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रेंगल, ठीक है ना, सेम है, डिफरेंस है, यशिका क्या डिफरेंस है इसमें, हाँ उसमें वर्टिसिस का पूछा था और इसमें किसका पूछा है, साइड का पूछा है, ठीक है।
कि साइड से वो पॉइंट सेम दूरी पे हो। चलो भाई अब की बार एक ऐसी ट्रायंगल ले लेते हैं हम जो कि इक्विलेटरल टाइप की दिखाई ना दे, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक है। ये हमने ले ली, लो लगभग स्केलन टाइप की होगी, ठीक है ना, नहीं तो सारे के सारे क्वेश्चन फिर आपको बड़े आसान से लगेंगे। अब देखो ध्यान दो, उसने क्या क्या है कि आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें आपने जो है उस पॉइंट को लोकेट करना है जो कि किससे भाई, इन साइडों से क्या हो, सेम दूरी के ऊपर हो। तो इसमें वो थ्योरी काम नहीं करेगी हमारी, इससे थोड़ा सा डिफरेंट हमने चलना हुआ। एक बकवास सी ट्रायंगल हमने ली है जो ना कि इक्विलेटरल है ना ही आइसोसेल्स है, लेकिन इसमें हमने वो पॉइंट ढूंढना है जो कि साइड ए बी से, जो कि साइड बी सी से और जो कि साइड ए सी से क्या है, समान दूरी पे होगा। तो देखो ध्यान दो, उसके लिए करेंगे क्या, क्योंकि उसमें वर्टिसिस से पूछा था तो हमने साइड का आधा किया था, इसमें साइड से पूछा है तो वर्टिसिस के एंगल का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और एंगल का आधा करना कोई बड़ा काम थोड़ी ना, कर दोगे, ठीक है। तो आपने भाई ये एंगल को मेजर किया, पकड़ना पड़ेगा यहाँ से, ये एंगल को आपने क्या कर दिया, मेजर किया। एक बार प्रकार को आपने यहाँ रखा तो ये आर्क लगा दी, लगा दोगे ना इसे, और एक बार फिर आप प्रकार को यहाँ रखो, ये आर्क लगा दे, तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ। इसी प्रकार आप सी के ऊपर रखें, सी के ऊपर रखें और सी का भी क्या कर दो, आधा कर दो, ठीक है। कर दिया, फिर ए के ऊपर रखो, छोटा बड़ा कर सकते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है आपकी, या इतना ही रहने दे। ए के ऊपर रखा आपने, ठीक है, यहां पर आपने रखा तो क्या हो गया, यहां पर रख दिया और ये इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। क्लियर है, बोलो यहां तक, ठीक है। अब तीनों जो आपने हाफ किए हैं उनमें से आप डॉटेड लाइन जो है पास कर दें, ठीक है, तीनों हाफ में से डॉटेड लाइन जो है पास कर दें। पहले का तो ये हो गया, दूसरे का ये हो जाएगा ना, ठीक है, और तीसरे का हमारा ये यहां पे हो जाएगा, यही हो गया, बोलो, ठीक है। तो अब जो आपके पास एक पॉइंट आया है जिस पॉइंट का नाम क्या है, ओ ले ले, तो जो ओ पॉइंट है ना वो ए बी से, वो ए सी से और वो बी सी से क्या है, समान दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस है, चाहे आप मेजर करके देख लियो। आप कहोगे कि सर ये तो छोटा सा, यहां से तो नाममात्र सी लेंथ दिखाई दे, यहां से तो बहुत बड़ी लेंथ है, लेकिन कभी भी जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं। तो जब आप जहां से परपेंडिकुलर लेंथ लोगे ना, ओ से जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो सीधी सी बात है क्या होगा, सभी की दूरी क्या होगी, ये समान होगी। देखो ऐसे करके दूरी लोगे, जब आप ये होगी फिर ये होगी और फिर क्या होगी, ये हो जाएगी, तो लगभग सेम सी दिखाई दे रही होंगी, दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, लेकिन आपने ऐसे लाइन नहीं लगानी, आपने बस यही करना है। तो आप लिखोगे हेयर, हेयर पॉइंट ओ, हेयर पॉइंट ओ इज इक्वी डिस्टेंट या डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम साइड, कौन सी साइड भाई, ए बी कोमा बी सी एंड ए सी, बोलो कर लोगे इतना सा काम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, बताओ खाम खा वैसे डर रहे थे आप, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहा, पढ़ो स्टेटमेंट इन ए, क्या बोलोगे प्रोनाउंसिएशन, क्या मतलब होता है, बड़ा यानी केक, यानी विशाल पार्क आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो है तीन पॉइंट दे रखे हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी, विशाल का पार्क इसको बोल सकते हैं, चलो ए बी सी तीन पॉइंट दिखाई देंगे, ठीक है। ए जो पॉइंट है वहां पर है भाई कुछ स्लाइड्स, यानी कि फिसलन पट्टी जिसको बोलते हैं, ये झूले से नहीं वहां जो अपना इधर लग रहा है स्कूल में ऐसे जो है, और क्या दे रखे हैं, स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के स्विंग करने के लिए, यानी कि स्लाइड्स लगे हैं। दूसरी जगह पर क्या है,
नियर विच ए मैन मेक लेक, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, तालाब। और तीसरी जगह पर क्या, सी पॉइंट के ऊपर, हाँ मतलब बाहर निकलने के लिए क्या है, रास्ता है, यही दे रखा होगा। तो इसने कहा कि वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर, पार्लर पार्लर ही होगा वर्ड, बी सेट अप शो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन अप्रोच इट। तो उसने कहा कि आइसक्रीम की दुकान लगाने के लिए, आइसक्रीम का ठेला लगाने के लिए ए बी सी पॉइंट में से कौन सी जगह पर चुने जो कि ए से भी क्या हो, सेम सी दूरी पे हो, और बी से भी सेम दूरी पे, और सी से भी सेम दूरी पे हो। देखो तीन उसने पॉइंट दिए भाई, एक पॉइंट दिया उसने लगभग यहाँ, ठीक है, एक पॉइंट उसने ऐसा दे रखा जो कि लगभग पाकिस्तान की तरफ है, और एक पॉइंट उसने ये लगभग यहाँ दे रखा है, ठीक है, बच्चों के झूलने के लिए है ये, यहाँ पर क्या है कोई लेक कोई तालाब वगैरह, और ये एग्जिस्ट के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इन तीनों में से हमने एक आइसक्रीम का ठेला ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ से ए वाले लोग भी आसानी से आ जाएं, बी वाले भी आसानी से आ जाएं, सी वाले भी आसानी से आ जाएं। तो सीधी सी बात करना क्या होगा, तो बीच में बस आंख बंद करके कहीं पर भी ये पॉइंट ले लें, बात खत्म है, अंदाजा सा देख लिया यहाँ पर लगा देंगे। एग्जैक्ट लोकेशन देनी है बेटा, ये गणित है, तथ्य को प्रमाण की जरूरत है, तुक्का नहीं लगा सकते आप। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैं? देखो अब ये थोड़ी ना कि हर कोई बंदा तभी ये चाहेगा कि मुझे बाहर निकलना तो ही मैं आइसक्रीम खाऊं, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आते उसने आइसक्रीम ही खानी। जैसा उसने क्वेश्चन किया बेटा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। उसने कहा कि तीनों में से हम किस जगह पर लें, तो हम क्या करें, सुनो, तीनों के तीनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, और मिलाने से हमारे पास जो पार्क की शेप बनी है वो कौन सी है, ट्रायंगुलर शेप। तो हमें ए बी से समदूरस्थ बनाने के लिए सेम वही काम क्या करोगे, एसी का आधा कर दोगे ना, एसी का हाफ, बोलो ऐसे ही फिर क्या करोगे, बी सी का हाफ कर दोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ए बी का क्या कर दोगे, हाफ। और जैसे ही आप इन हाफ को मिलाओगे तो आपको बेटा एक ऐसी लोकेशन मिल जाएगी जो कि बिल्कुल क्या होगी, बीच में, क्या है, अच्छा यही बताया था, चलो। तो कई बार तुक्का लग जाता है, धूड़ में लट लाग जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने ये लगा दिया तो, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आप इसी मेथड से करोगे, बात ये है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर चार, इसने कहा कि कंप्लीट द क्या है, हेक्सागन एंड स्टार शेप रंगोलीज, सी फिगर 7.53, देखिए आकृति 7.53 पार्ट एक और पार्ट दो में, बाय फिलिंग देम विद एनी विद एज मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एज यू कैन, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस। तो प्रत्येक केस में आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल को बताना है कि वो कितने रखने पड़ेंगे। एक बात आप मुझे बताओ, एक आपको क्या दे रखी है पहले केस में, कहाँ है, ये मजाक कर रहे हो बेटा, तुम भी हेक्सागन जिसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है ना, सभी साइड क्या है जिसकी, इक्वल। तो देखो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी शेप बन रही होगी, ऐसी है ना, थोड़ी बकवास सी शेप बनी है, बट कोई दिक्कत नहीं, आइडिया लगा लेना। हमने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी ई और, ठीक है, इसका सेंटर कहीं पर भी, कहीं पर भी क्या, बीच सी में मान ले आप, सपोज करो वो ओ है, ठीक है, और जब आप ओ को किससे मिलाओगे, ऐसी बनेगी ना फिगर, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। अब क्वेश्चन ये है कि सर कैसे पता चला कि ये 60 डिग्री का होगा, यही है ना क्वेश्चन,
इसके लिए बेटा एक सिंपल सा मेथड आपको बता दूं मैं, कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का, हमारे एंगल कितने बन रहे हैं 6, तो बस सीधी सी बात है बेटा इसको आप 6 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सारे के सारे इक्वल पार्ट है, ये करना तभी है आपने, तभी ये सोचो, और ये सारे के सारे इक्वल बनेंगे भी। अब ये हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। एक बात और आपको मैं बता दूं, ठीक है, जितनी हमारी ये डिस्टेंस है इतनी हमारी डिस्टेंस क्या है, ये है, ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी ड्राइंग की बुक में आती है। फिलहाल आप इनको इतना याद रख ले कि इसकी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, इनके प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब ये दोनों की दोनों साइड इक्वल होंगी तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना इसके इक्वल, और सभी एंगल का यदि हम सम करेंगे तो 60 डिग्री, सपोज करो इस एंगल को मैं कहता हूँ x डिग्री, तो ये भी कितना हो गया x डिग्री, बिकॉज क्या है ये अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। तो प्लस में कितना हो गया x डिग्री प्लस x डिग्री, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से 180 आ जाएगा, 2x डिग्री किसके इक्वल आ गया 120 के, और x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो मेरे पास ये भी कितने का आ गया 60 का, और ये भी कितने का आ गया 60 का। तो इसके अंदर जितनी भी ट्रायंगल बन रही हैं वो कौन सी हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल याद रखना, देखो कितनी अच्छी बात सीखने को मिली है आपको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है बेटा √3/4 इंटू साइड स्केयर, याद रह जाएगा √3/4 इंटू में साइड स्केयर, और साइड है हमारे पास 5, तो कितना हो गया ये 5 का स्केयर। हमने एरिया हेक्सागन का निकालना, तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या आ जाएगा बताना, एरिया ऑफ क्या आ जाएगा बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 गुणा में कितना हो गया बोलो √3/4 और इंटू 5 × 5, यही आ गया ना, ज़्यादा से ज़्यादा बस यही कैंसिल हो रहा है 2 पे, और ये कितने पे कैंसिल है 3 पे, क्लियर। वो कह रहा था कि इस एरिया के अंदर देखो, इसका एरिया हमने निकालना था इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी है, ये हमने बनाया है, और इस एक की मदद से हमने क्या कर लिया, हेक्सागन का एरिया निकाल लिया। वो कह रहा है कि इस हेक्सागन के अंदर कितनी हेक्सागन आएंगी अगर प्रत्येक की साइड कितनी हो 1 सेंटीमीटर हो, तो एरिया ऑफ कितनी हेक्सागन, कितनी ट्रायंगल आएंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया होल साइड इज क्या हो 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 साइड है 1, तो 1 का स्केयर, बोलो भाई कितना हो गया, √3/4 ही हो गया ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, कैन बी फील्ड जो कि भरी जाएंगी किसमें भाई, इन हेक्सागन। कैसे निकलेगा, हेक्सागन का पूरी का एरिया कितना बताइयो, 3 गुणा में √3/2 और 5 गुणा में 5, और डिवाइड में कितना आ जाएगा बोलो √3/4, यही आ जाएगा ना। सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 3 गुणा में वर्गमूल 3/2, 5 गुणा 5, और ऊपर जाके कितना हो गया ये 4/√3, √3 से √3 क्या हो गया, तो उसे इसको कैंसिल करो कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये 5×25, 25×2 = 50, और 50 × 3 = 150, 250 कौन कह रहा था, मतलब पार्क का दर्जा क्या दे दिया, गलत बोलने लग जाओगे। अगला क्वेश्चन, उसमें कहा है कि इसमें कितनी फिल होंगी, लेकिन इसमें देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगी कितनी बनेंगी, 6 तो हमारी अंदर हुई थी, और 6 ही हमारी, 6 हमारी कहाँ है, बाहर भी कितनी है, 6 ही तो है, ठीक है। तो गिनोगे तो कितनी होगी टोटल 12, तो 12 का एरिया कितना हो जाएगा, 12 गुणा में कितना आया था 1 का, √3/4 इंटू साइड 5 गुणा 5, इसको आप डिवाइड करोगे किससे, √3/2 से, √3/2 से, चाहो तो इसको कैंसिल कर लो, 2 पे कैंसिल हो गया और ये 6 पे कैंसिल, तो √3/2 से √3/2 क्या हो जाएगा कैंसिल। सोल्व करना कितना आ गया, गड़बड़ कर दी क्या कुछ सर? ना ठीक है, ये आपने अब क्या निकाला है, कितना आ गया
एक आंसर गलत है भाई दोनों में से, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा आनी चाहिए थी। रूट थ्री बाय फोर इंटू में साइड का स्केयर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का था ना, एक का था ना ये, अरे रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्केयर ये हो गया, और ट्रायंगल टोटल कितनी फील करी जाएंगी भाई, 12, तो 12 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल एरिया इसका नहीं हो जाएगा, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इसका एरिया नहीं हो जाएगा क्या, होगा या नहीं होगा, आंसर देखना क्या है सेकंड का, पीछे किसी का एक का तो दे रखा होगा, विच हैज मोर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एक तो इसने ये पूछ रखा है कि किस में ट्रायंगल ज्यादा होंगी, ट्रायंगल कौन से पार्ट में होंगी, सेकंड में ज्यादा होंगी, लेकिन इसमें फील करी जाएंगी, ये आंसर हमारा सेम कैसे आ सकता है, इसमें तो ज्यादा आनी चाहिए ना बेटा, पहले में 6 थी, गुणा हो गया था 3 गुणा में, अरे ये गलत लिख दिया, रूट थ्री बाय फोर इन टू साइड स्केयर ये होता है, और ऊपर भी कितना है रूट थ्री बाय फोर, तो ये 12 क्या रहेगा हमारा एज इट इज, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 12 × 5 = 60 और 60 × 5 कितना हो गया 300, तो बेटा इसमें तो आपकी 300 ट्रायंगल भरी जाएंगी और उसमें कितनी होंगी 150, सीधी सी बात है उसमें 6 ट्रायंगल कम भी तो थी ना ये बड़ी, इसमें ज़्यादा होगी तो डबल हो जाएंगी, कर लोगे हो जाएगा ये काम, ठीक है। तो आज बेटा आपने ये प्रैक्टिकल वर्क के हैं सारे के सारे सम, लेकिन होने चाहिए ये भी, तो यही काम करना, कुछ ज़्यादा काम नहीं है आज के लिए, ठीक है।